जो बच्चे एक्चुअल में हर एक बच्चा जो सुन नहीं पाता वही बोल नहीं पाता है, न सुन पाने के कारण बोलना नहीं हो पाता, सबसे पहली बात तो यही है। जैसे हम लोगों ने हिंदी सुनी तो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश सुनी तो इंग्लिश बोलते हैं, अगर गाली गलौज सुनते हैं तो वो भी मुँह से निकलने लगते हैं। तो एक्चुअली भाषा जो है वो हमें सोसाइटी से मिलती है। अब अगर हमारे पास हियरिंग लॉस है, हम नहीं सुन पा रहे हैं तो ही नहीं बोल पा रहे हैं। इन बच्चों में बोलने की कोई भी समस्या नहीं होती है। तो जब वो अगर हम जान लें और इनको ये समझें कि इनके साथ अगर हम थेरेपी कराएं, जैसे पा है, ता है, टा है, का है, और इनको प्रॉपर इनके वर्ड्स को जो है कराया जाए, तो ये लगातार अगर इनको कराएं तो धीरे धीरे ये हमारे और आपकी तरह ना सही तो भी 50% ये बच्चे बोलने के लायक हो सकते हैं और एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं, सामान्य शिक्षा में भी जा सकते हैं जिसमें कि इस ऐसे विद्यालय की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थेरेपी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी सबसे अहम भूमिका रखती है। उसके लिए ये रूम रहता है हमारे पास, डॉक्टर स्पीच थेरेपी का भी एक सॉफ्टवेयर है जो USA से, जिसमें कि बच्चों को उनकी वोकल है, उनका जो साउंड लेवल है, उनकी पिच है, उनके वाइब्रेशंस हैं, वो सारी चीज़ें उस पर उन पर प्रैक्टिस कराई जाती हैं और उनकी जो चेकिंग है कि कितने बच्चे की हियरिंग लॉस है। सपोज़ करिए किसी का हियरिंग लॉस 50% या 60% है, 70% के नीचे आ रहा है, तो अगर अच्छा एक हियरिंग एड दिया जाए और बार बार अगर वॉइस दी जाए तो उस बच्चे में बोलने की सामर्थ्य अपने आप बढ़ने लगेगी और साथ में थेरेपी भी चले तो ज़्यादा नहीं 3 से 4 साल लगेंगे और वो बच्चा हमारे आप की तरह ना सही तो भी फिर भी 60-70% जो है वो बोलना शुरू कर देगा और एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करने लगेगा।